खास सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच तल्खियां बढ़ती ही जा रही हैं। बात इतनी बिगड़ गई कि नेता भाषा की मर्यादा तक को भूल गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना दर्द सीट के बंटवारे को लेकर बयां किया, जिसके बाद से गठबंधन में रार पैदा होता दिखाई दे रहा है। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। ने कहा है कि इसराइल और गाजा युद्ध थे, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बोलवाए। कांग्रेस सपा के बीच बड़ी तल्खियां, सीटों को लेकर हो रही दूरियां, अखिलेश गठबंधन को लेकर कंफ्यूज, कांग्रेस से सपा गई लूट, हैसियत कब चिरकुट। ये वो उपाधियां हैं जो बीते दिनों सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कही। राजनीति देश में सदियों से चली आ रही है और कब इसके सियासी माने बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी की सियासत में। पल पल बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच एक बार फिर सपा कांग्रेस के बीच तल्खियां बढ़ती नजर आ रही है। वजह है सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की। मामला शुरू होता है मध्य प्रदेश में होने वाली सियासी लड़ाई से। सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर ऐसी खाई पैदा हुई कि बात तू तड़ाक औकात और चिरकुट नेता तक आ गई। सीट बंटवारे से बौखलाए अखिलेश यादव ऐसे तिलमिलाए कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को सियासत का अदना नेता घोषित कर दिया, जिसके बाद से सपा और कांग्रेस के बीच लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें कांग्रेस के मंसूबों का पहले से पता होता तो हम मीटिंग में शामिल ही ना होते। पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री जो हो रहे उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहां कहां जीते हैं, कभी एक जीते कभी दो जीते कभी पांच जीते और किस जगह हम नंबर दो पे रहे, पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अजय राय की राजनीतिक हैसियत का तकादा कर लिया। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में, उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। ने कहा है कि इसराइल और गाजा युद्ध थे, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बोलवाए। अखिलेश के आरोपों पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने घोसी विधानसभा चुनाव की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घोसी में सपा को समर्थन दिया था, जिसके बाद सपा घोसी में बीजेपी का सामने जीत पर। इम्बैलेंस अगर आप देखेंगे तो घोसी में सब समर्थन किसने किया, सबसे पहले घोसी का समर्थन कांग्रेस ने किया और बिना मांगे समर्थन कर दिया, बड़ा मन दिखाते हुए, क्योंकि अगर घोसी हम लड़ते तो हो सकता है चुनाव हार जाते ही। जैसे ही अजय राय ने यह बयान दिया, ठीक उसी के बाद सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय ने कांग्रेस को 2022 के चुनावी नतीजे याद दिला दिए। बड़े नेता जो होते हैं कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे बड़े भाई को पता होना चाहिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 2012 फिर से दोहरा रहा हूँ 2012 वोट घोसी विधानसभा चुनाव में हुआ था, हमारे जीत 43,000 वोट से हुआ है और 43,000 वोट कभी कांग्रेस यहाँ पाई तक नहीं आया। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर भी अजय राय ने अपनी बात दो टुक रख दी। उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस 80 सीटों को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर रही है। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में कहा कि 80 सीट की हमारी तैयारी है, तो हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम अभी कानपुर में थे, कानपुर में जबरदस्त तरीके से वहाँ की तैयारी चल रही है। कल पूरा दिन भर कानपुर के अंदर और फतेहपुर खागा लगभग 13 जनपद के लोग, बुंदेलखंड के सभी लोग वहाँ आए थे और जबरदस्त तैयारी है। हम अपनी पूरी 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर सपा कांग्रेस के बीच शुरू हुआ ये कोल्ड वॉर कब खत्म होगा। क्या यूपी में इंडिया गठबंधन की हवा निकल जाएगी, क्या बीजेपी के अरमान बिना कुछ किए ही पूरे हो जाएंगे। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है।
हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।